ओके, तो सबसे पहले तो हनुमान जी के जन्म के बारे में हमने चर्चा की थी कि किस प्रकार से श्री हनुमान जी का जन्म हुआ। तो एक तो जन्म का कारण ये था कि जब जो यज्ञ पुरुष जब मटकी लेकर के आया था, तो वो मटकी जब चारों भाइयों को जब तीनों माताओं को मिल गई थी, अब तीनों माताओं को जब वो मिल चुकी है, जब तीनों माताओं को जब मिल गई थी, तो उसके बाद फिर गरुड़ जी आए और उठा करके, जो कि कुछ पहचान नहीं पाया, गरुड़ जी हैं, और वहाँ से आए और उठा करके ले गए इसको, एंड देन गिव इट टू अंजना जी। ओके करो जरा वहां से, या तो एक तो ये हुआ, लेकिन इससे पहले और क्या हो चुका था कि पवनदेव जो थे, पवनदेव ने भी शिवजी का जो वीर था, जब शिवजी आगे आगे जा रहे थे, सॉरी शिवजी पीछे पीछे थे मोहिनी मूर्ति के, तो उनका जो वीर था उसको इकट्ठा किया था, उसको ले करके अंजना माई के घर में डाल दिया था। तो इसलिए फिर शिव शक्ति की तुम्हारे हृदय ज्योत महांजलि, जय 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 बजरंगबली, हमने ऐसा सुना है, राइट। तो किस तरह से शिव शक्ति भला कैसे है, क्योंकि भगवान शिव जी का जो डिवाइन वीर है, हमारे वीर तो खैर मटीरियलिस्टिक होता है, सांसारिक होता है, लेकिन शिव जी क्योंकि दिव्य है, चिन्मय है, सच्चिदानंद है, इसलिए उनका वीर भी कैसा है, सच्चिदानंद है। तो इसीलिए फिर वो जब था उसको फिर इम्प्लांट किया, पर क्योंकि पवनदेव जी ने किया खुद, तो इसलिए पवन पुत्र भी है हनुमान कहलाए, साथ ही रुद्र अवतार भी कहलाए। यस, जय हनुमान, क्या ब्यूटीफुल, नाइस, वाओ, दिस इज लाइक गोप कुमार वर्जन ऑफ रामलीला, नाइस, ब्यूटीफुल। ओके, तो इस प्रकार से फिर ये अंजना जी के पुत्र भी कहलाए, केसरी नंदन भी कहलाए, क्योंकि इनके पिताजी का नाम था केसरी, अंजना नंदन भी कहलाए, और अंजनाए भी कहलाए, क्योंकि अंजना जी के पुत्र थे, साथ ही ये रुद्र अवतार भी कहलाते हैं। आपने अक्सर देखा होगा इनके पांच मुख वाला भी एक इनका रूप है, राइट, जिसमें कि उसमें गरुड़ जी भी हैं उसके अंदर बारह अवतार भी हैं, और उनके अंदर नरसिंह भगवान भी हैं, और एक और है उनके अंदर, बराह है, नरसिंह है, गरुड़ है, एंड वन मोर, व्हाट वाज दैट, गरुड़ा हाई ग्रीवा, यस, ये इस प्रकार से। तो इस प्रकार से भगवान के आवेश रूप इनके साथ भी, तो ये पंचमुखी रूप में भी हैं हनुमान जी। तो इस प्रकार से इनका जन्म हुआ था, और इनकी एजुकेशन उन्होंने बड़ी यूनिक स्टाइल मिली थी, पीछे उड़ते हुए, इनकी जो बड़ी जो क्लास है वो स्टैटिक नहीं थी, इनकी क्लास बड़ी डायनामिक थी, कि सूर्यदेव जब चल रहे हैं तो सूर्यदेव के साथ साथ इनको भी उड़ना था, तो सूर्यदेव, इन्होंने क्षमा मांगी थी उनसे कि बचपन में आपको खाने के लिए आ गया था, मैं आई एम रियली सॉरी, पर आपको तो भगवान ने खुद विद्या दी हुई, आप खुद टीचर भगवान रहे हैं, तो फिर आपसे बढ़िया टीचर हमें कहाँ मिलेगा। तो फिर जिस प्रकार से अरुण जो कि भगवान सूर्यदेव के सारथी हैं, जब वो चलते हैं, तो फिर ये उल्टे उड़ते हुए इन्होंने सारी एजुकेशन भी ली, और जो सारी इन्होंने एजुकेशन ली, एंड ही वाज सो ब्राइट कि जो भी सूर्यदेव सुनाते थे ये तुरंत सुन करके याद कर लिया करते थे, श्रुतिधर एकदम, वेरी गुड, इनकी OBA CBA सब में 100% SS मार्क्स हैं इनके, एंड ही पास्ड दी सूर्य यूनिवर्सिटी विद 100% मार्क्स, बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस थी इनकी। तो फाइनली जब गुरु दक्षिणा की बारी आई, तो उन्होंने कहा गुरु दक्षिणा में ये मैं यही मांगता हूँ कि स्वभाव ऐसा होगा कि वाली और सुग्रीव क्या है, ये मेरा ही पुत्र है, मेरा ही विस्तार है, तो इसीलिए इसके दोनों में क्योंकि कला कलेश हो रखे, तो ना सुग्रीव की तुम हेल्प करना, ठीक है जी, बिल्कुल गुरु दक्षिणा के तौर पर मैं हमेशा हेल्प करता रहूँगा सुग्रीव की, लाइक दैट। तो इस प्रकार से फिर हनुमान जी की उनकी एजुकेशन थी ये भी पूरी हुई। तो आज वैसे तो हनुमान जी की जो मुख्य जो लीलाएं आती हैं वो रामायण के अंदर आती हैं, और जब भी हनुमान जी का गुणगान आता है तो सुंदर कांड तो आता ही आता है, तो हम आज सुंदर कांड लेके नहीं लेंगे, रीजन बीइंग हमारी जो रामकथा चल रही है शाम को, उसमें हनुमान जी को और कई सारी ग्लोरीज आएंगी, उसके अंदर अहिरावन का कल्याण करना भी आएगा, उनका जड़ी बूटी लेना भी जाएगा होगा, उस अंदर सुंदर कांड भी होगा, उनका सीतामय से मिलना, सीतामय के साथ उनकी कॉन्वर्सेशंस वो सब हैं, किस प्रकार से भरत जी से मिले, तो वो सब भी है। तो इसलिए आज हम वो लीलाएँ नहीं लेंगे, क्योंकि हम वो कवर करेंगे जैसे हम रामायण आगे बढ़ेंगे, शाम की जो कथा चल रही है 5 बजे राम जी की सुंदर लीलाएं, तो फिर इसलिए उन लीलाओं को मैं आज नहीं छूंगा। सो देयर आर सम अदर क्रॉनिकल्स ऑल्सो, जैसे महाभारत में भी हैं कुछ जगह पर, कुछ लोकल क्रॉनिकल्स भी हैं हर जगह के, तो थोड़ा हम उनमें से जो है हनुमान जी का गुणगान करने का प्रयास करेंगे। तो भगवान श्री राम जब वापस आ रहे थे जब लंका से, तो लंका से वापस आते हुए ऐसा हुआ था कि राम जी ने कहा कि ना
मुझे शिवजी का के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करनी होगी, क्योंकि शिवजी ने हमारी हेल्प की है कि हम लोग जीते हैं ये वॉर, क्योंकि ना भगवान का ये रहता है मैं अपने भक्तों को हमेशा क्रेडिट दूँ, तो इसीलिए मुझे शिवजी को थैंक यू बोलना है। तो इसीलिए अगर ऐसा हो जाएगा, शिवलिंग अगर हो जाता तो उसमें हम जल चढ़ा लेते और प्रणाम कर लेते उनको, ऐसा श्री राम ने कहा। जैसे रामेश्वर उनका नाम है, रामेश्वर, तो यूजली सिंपल मीनिंग क्या निकलता है, रामेश्वर मतलब राम के ईश्वर, राम के ईश्वर है ना। लेकिन वैसे जो एक्चुअल जो इसकी संस्कृत वाइज अगर देखा जाए तो उसका मतलब होता है राम जिनके ईश्वर हैं, रामेश्वर। जैसे बोलते हैं गोपेश्वर, गोपियों के ईश्वर ना, गोपियां जिनकी ईश्वर हैं गोपेश्वर, तो शिवजी वो हैं वास्तव में। तो इसीलिए शिव तो भगवान राम का था कि मैं अपने भक्त का एक बार कृतज्ञता तो व्यक्त कर दूं, उन्होंने मेरी हेल्प की है। तो फिर अच्छा शिवलिंग कहां से कहता है, अरे प्रभु आप चिंता मत करिए मैं खुद कैलाश से लेकर के आता हूं। तो हनुमान जी उड़ करके गए कैलाश, और जब कैलाश पहुंचे तो वहां पर उन्होंने सोचा कि शिवजी से ही शिवलिंग लेंगे, इससे बढ़िया और क्या हो, ओरिजिनल मैन्युफैक्चरिंग। तो शिवजी पे उन्होंने ध्यान लगाना शुरू कर दिया, शिवजी प्रकट होंगे और शिवजी शिवलिंग देंगे। लेकिन यहाँ काफ़ी समय निकला जा रहा था, शुभ मुहूर्त जो था वो निकला जा रहा था, तो इसलिए जामान जी ने कहा देखिए शुभ मुहूर्त तो यही है, शुभ मुहूर्त अभी निकला जा रहा है तो क्या किया जाए फिर अभी। तो सीता मैंने क्या किया, सीता मैंने कहा चलिए ठीक है मैं यहाँ पर एक शिवलिंग बनाया। तो शिवजी तो बड़ा सुंदर सा शिवलिंग वहाँ सीता मैया ने बना दिया, और सुंदर सा शिवलिंग था। कहते अरे वाह सीता क्राफ्ट्समैनशिप, इतना सुंदर शिवलिंग बनाया आपने यहाँ पर, बहुत सुंदर। अब जैसे ही जो है पूजा अर्चना का सारा साजो सामान इकट्ठा हो गया था, तभी जो है हनुमान जी यहाँ शिवलिंग लेके पहुँच गए। कहता है भगवान ने कहा ओहो हनुमान लिटिल लेट, हाँ मैं बस अब मुहूर्त निकले जा रहा था तो फिर हमको फिर शुरुआत करनी पड़ी, तो ये अब ये शिवलिंग बना ही दिया है ये, तो इसीलिए अभी इसी शिवलिंग से हम काम कर लेंगे, आप ये छोड़ाओ वापस छोड़ाओ। क्या प्रभु मैं तो तपस्या साधना करके मैं इसको लेकर के आया हूँ। कहते ओहो ठीक है ठीक है ठीक है, चलो ठीक है इसको भी रख दो, इसको भी कर लेंगे साथ में, ये भी है और सेकेंड तुम्हारा भी है। क्या मतलब मेरा सेकंड है, हनुमान जी ने कहा। तो राम जी ने कहा चलो ठीक है फिर ऐसा करो, फिर जो पहला वाला रखिए जो रखा हुआ है ना इसको उठा करके कहीं और रखा, अपना वाला रख दो, हम उससे पूजा अर्चना कर लेते हैं उसकी। तो फिर हनुमान जी बड़े खुश हो गए। हनुमान जी ने क्या किया, फिर जो पहला वाला शिवलिंग जो पड़ा हुआ था उसको उठाना चाह, उसको उठा रहे थे, हनुमान जी ने इतनी शक्ति लगाई कि पूरी पृथ्वी हिलने लग गई। पृथ्वी ने कहा भाई नहीं उठ रहे तो ठीक है भाई, मेरी कैसे तैसी कर रहे हो। तो हनुमान जी ने कहा ये उठ नहीं रहा है, ऐसा कि ऐसा की कोई अद्भुत शिवलिंग है, शिवलिंग कहाँ से लिया है आपने। कह रहे सीता ने बनाया। कहता अरे सीता मैया ने बनाया, आपने पहले क्यों नहीं बताया। फिर तो सीता मैया का ही होना शिवलिंग, मैं पागल आदमी नहीं, कोई बात नहीं ये शिवलिंग को आप बाद में रख दीजिए, कोई बाद में पूजा कर लेंगे, अयोध्या ले जाएंगे जो आज ऐसा बोले। अब आपने बताया नहीं, सीता मैया ने बनाया वाला शिवलिंग, तभी मैं कहूँ कि हनुमान से कोई ना उठे कोई चीज़, ये कैसे हो सकता है। तो पर्वत उठा दें तो पृथ्वी उठा दें तो बहुत शक्तिशाली हैं, लेकिन एक शिवलिंग नहीं उठ रहा, यानी ये कुछ खास शिवलिंग है, इसको सीता मैया का हाथ लगाए। कहा नहीं गलती हो गई, गलती हो गई, सॉरी 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 नहीं। तो फिर सीता मैया ने कहा नहीं नहीं नहीं, आपके शिवलिंग की भी पूजा अर्चना होगी और पहले आपकी शिवलिंग की होगी, क्योंकि आप इतनी साधना तपस्या करके लेकर के आए और जो आपका प्रेम है वो तो अद्भुत है राम जी के लिए, तो इसीलिए आप अपना शिवलिंग रखिए। तो शिवलिंग को रखा गया और सीता मैया ने राम जी से आग्रह किया, मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ पहले हनुमान जी का जो शिवलिंग है पहले हम उनकी पूजा अर्चना करेंगे, उसके बाद जो मेरा वाला शिवलिंग है फिर उनकी पूजा अर्चना करेंगे। तो राम जी बड़े खुश हुए कि सीता मैया जो है अपने पुत्र समान अपने सेवक हनुमान जी के प्रति बड़े दयालु हैं, बड़े कृपालु हैं। तो इस प्रकार से इस शिवलिंग की बड़ी सुंदर लीला हुई। ऐसे एक समय क्या हुआ, हिमालय के आसपास द्रौपदी थी, तो द्रौपदी ने वहां देखा कि बहुत ही सुंदर ही फ्लावर था, उसके अंदर 1000 पेटल्स थे, उसके अंदर कितनी पंखुड़ियां थी, 1000 पंखुड़ियां थी उसके अंदर। और उसको सूंघा, उसमें इतनी अच्छी खुशबू थी, उसको सोचती थी कि ना मैं कृष्ण का जो स्मरण करती हूँ, कृष्ण को अर्पित करती हूँ, तो ना ये 1000 पेटल वाला ये जो कमल है ना ये अर्पित करूंगी, लेकिन इसको मैं सूंघ चुकी हूँ, तो एक फ्रेश अगर मिल जाए अगर तो बहुत बढ़िया हो जाएगा, अगर 5 ऐसे मिल जाएंगे ना पुष्प तो फिर मैं भगवान को अर्पित करूंगी, कृष्ण को अर्पित करूंगी, उसके बाद मैं 5 पतियों को दूंगी मैं एक एक, ये बढ़िया रहेगा। तो उन्होंने भीमसेन से बोला कि भीम आपने ये हिमालय में ये ऊपर से कहीं से आया है ये, वहाँ से अगर आपने ये वाला ये 1000 पेटल वाला लोटस से अगर ये लेकर के आओ तो बहुत अच्छा रहेगा। तो हनुमान जी ने कहा बिल्कुल अभी लेकर के आते हैं, सॉरी भीमसेन जी ने कहा अभी लेकर के आते हैं। तो भीमसेन ये भी वायुपुत्र ही हैं,
ये और वो कूदते फांकते ताड़ धाड़ करते करते आगे बढ़ रहे थे, तो वहां पर रस्ते में उन्होंने देखा कि एक वृद्ध वानर है, वो लेटा हुआ है। तो अब उन्होंने कहा क्या किसी के ऊपर लांग करके जाऊंगा, क्योंकि सबके हृदय परमात्मा रूप में विराजते हैं भगवान, उसे लाऊंगा नहीं। कहते अरे वो वानर अपनी पूंछ हटाओ। वानर ने कहा अरे बुजुर्ग हो गए हम, रिटायर हो चुके हैं, अब तो अब हिला नहीं जाता हमसे, चले जाओ भाई चले जाओ। कहते अरे भाई ऐसे हम नहीं जाते। भीमसेन जी ने कहा सबके हृदय परमात्मा रूप में विराजते हैं भगवान, इसलिए ये अपमान हम नहीं करें, वो कूदते फांकते चले जाए किसी के ऊपर, वैष्णव एटिकेट भी कोई चीज होती है। कहते अच्छा भाई तो ठीक है, फिर ये पूंछ जो है खुद ही हटा दो आप। फिर कहते अरे भाई अब क्या टाइम वेस्ट करना, तो फिर अपना लेफ्ट हैंड लिया, लेफ्ट हैंड से उठाना चाह पूंछ उठ नहीं रही। अरे लेफ्ट हैंड से और राइट हैंड लगा, तो राइट हैंड लगा दिया, फिर नहीं उठ, दोनों हाथ लगा करके चीख दिए भीमसेन जी, लेकिन अब पूंछ नहीं उठ रही। कहते भाई आप कौन हो जो यहां पर लेटे हुए हो, हैं मैं पवन पुत्र हनुमान जी का छोटा भाई हूं भीम। अगर हनुमान जी को ये बात पता लग गई ना कि मैंने वृद्ध वानर की पूछ नहीं हटा पाया, ये तो बहुत ही बेइज्जती की बात होगी। ये तो आप कौन हैं, अपना परिचय तो दीजिए। तो फिर जो वृद्ध वानर थे उन्होंने अपना परिचय दिया, अरे मैं तेरा बड़ा भाई हनुमान। अरे भैया, और फिर हनुमान जी ने भीमसेन जी का आलिंगन किया और फिर साथ ही उनको रास्ता बताया कि ये जो फूल जो तू ढूंढने निकला है ना मेरे भाई, यहाँ से सीधा निकल जाओ ऊपर की ओर, वहाँ से लेफ्ट लेना, वहाँ से सीधा जाना, वहाँ से राइट लेना, वहाँ नहीं मिलेगा, इस तरफ से मिलेगा, ठीक है। तो फाइनली फिर वहाँ से भीमसेन जी चले गए और उनको द्रौपदी मैया के लिए तो सुगंधिका नाम का एक फ्लावर था जो कि उन्होंने इकट्ठा किया। एक समय ऐसा हुआ था जब जयद्रथ जो है द्रौपदी को उठा के ले गया था, तो सब पांडव लोग बड़े दुखी थे कि जयद्रथ को भी मजा चखाते हैं, उसने द्रौपदी के साथ ऐसा किया, तेरी तो तब ये दुखी होकर अभी ढूंढ ही रहे थे, तो मार्कंडेय ऋषि मिले, तो उनको सांत्वना दी मार्कंडेय ऋषि ने कि इतना दुखी मत होइए। ऐसा तो एक समय ऐसा हुआ था सीता जी का हरण हो गया था, रावण ने कर लिया था, और फिर राम जी उनको ढूंढने के लिए जा रहे थे, और यहाँ तक कि सीता को ढूंढने के लिए तो उन्होंने लंका तक ब्रिज तक बना दिया उन्होंने, और सबके सब जब ब्रिज पर चल रहे थे तो सबके सब ब्रिजवासी कहलाए कुछ समय के लिए। तो और फिर चलते रहे और फिर जो है उस तरफ पहुंचे। अच्छा ये तो बहुत बड़ी बात है, वो लोग ब्रिजवासी थे। कहते हैं हाँ फॉर टाइम बींग देवर ब्रिजवासी, ऐसा कहते ओके है। लेकिन ये इतनी मेहनत क्यों कराई इन्होंने वानरों से, अरे इतने बड़े अगर वो आर्चर थे, क्योंकि सब बोला करते भाई जैसे श्री राम हुए हैं ना तीरंदाज, जैसी तीरंदाजी उनकी थी वैसे किसी का नहीं है, द आर्चरी स्किल्स ऑफ रॉड राम कोई आसपास भी नहीं है उनके। इतने बड़े अगर वो आर्चर थे, इतने बड़े अगर धनुधर थे वो, तो तीर चला करके पुल बना देते ना, और क्या। ये क्या वानरों को लगा दिया सेवा के अंदर कि चलो जी पुल बनाओ आप लोग, ये क्या है? चलो ठीक है मान लेते हैं होंगे बढ़िया होंगे, लेकिन मैं होता ना अगर उस जगह पे, मैं तो तीर से बना देता सारे के सारे पुल को, सब ना आराम से चलाते, मेहनत वेहनत कम कराता मैं तो भक्तों से, और क्या। एनीवेज चलो, लेकिन फिर भी चलो आप लोग मानते हो मार्कंडेय ऋषि और ये सब कहते हैं तो मान लेते, चलो राम जी सबसे बड़े धनुर्धर थे। तो ये शंका के बारे में पता लग गया हनुमान जी को। हनुमान जी का एक्सक्यूज मी आर यू अर्जुन, यस आई एम अर्जुन। कहते हमें सुनने में आया है कि आपको डाउट हो रहा है कि श्री राम सबसे बड़े धनुर्धर थे कि नहीं थे। कहते हैं हाँ मतलब नो डाउट भाई, अब सब गुरुजन बोलते तो मैं मान लेता हूँ, बट इंटेलेक्चुअली आई एम नॉट कन्विंस्ड। कहते अच्छा, जय श्री रुक्मिणी द्वारकाधीश की जय, जगन्नाथ बलि सुभद्रा मैया प्रभु सुदर्शन की जय, गिरिराज गोवर्धन जी महाराज की जय, श्री कौन लिता जय, श्री प्रभुपाद की जय हो। तो हनुमान जी ने कहा वास्तव में वो बना सकते थे, उनके लिए तीरों से ब्रिज बनाना कोई मुश्किल बात नहीं है उनके लिए, वो तो प्रभु हैं ठाकुर जी कुछ भी कर सकते हैं, वो तो हमको सेवा में लगाने के लिए उन्होंने ऐसा किया, नहीं तो हम लोग सेवा कैसे करते, सेवा करेंगे हमारे लाभ के लिए उन्होंने ऐसा किया था। कहते चलो ये सब बहाने होते हैं, चलो ठीक है अब आके प्रभु हैं श्री राम हैं, ठीक है ऑल राइट ठीक है, बेनिफिट और डाउट। जब अर्जुन ऐसे बोला, कहता अच्छा तुम बना लो क्या ब्रिज, कहते और क्या मैं होता मैं इतना थोड़ी और क्या, अरे सेवा के और भी तरीके होते हैं। कहते अच्छा चलो बना, चलो ब्रिज बना तू। कहते अल्लाह कौन सी बड़ी बात, अर्जुन ने तीर निकाला और वहां पर जो गंगा नदी थी उसे ब्रिज बना दिया। कहते लो जी ब्रिज, हनुमान जी ने उसे पूछ रखी, उसके चीथड़े उड़ गए पूरे पुल के। कहते ये तो चाइना से भी घटिया क्वालिटी का पुल था आपका,
इसमें सारी वानर सेना का खाक चलती, ये तो मेरी पूंछ ने चीथड़े उड़ा दिए इसके। वाकई में देखा मतलब पूरे इतना बुरे बेइज्जती। उन्होंने कहा इस बार ऐसा पुल बनाऊंगा ना हाई क्वालिटी एकदम। कहते अच्छा चलो बनाओ जी। कहते इस बार अगर मेरा पुल टूट गया ना अग्नि में प्रवेश कर जाऊंगा। क्षत्रिय होते ना ऐसे होता है, ये अगर नहीं हुआ ना आग में घुस जाऊंगा, ये नहीं हुआ ना जला दूंगा खुद को, क्षत्रिय है। तो इस बार जो है पूरा अपना बेस्ट क्वालिटी ऑफ सीमेंट लेकर के तीरों पे लगा करके उन्होंने सारे मंत्र मंत्र फू करके उस पर अल्ट्रा टेक सीमेंट नमो नमः और छोड़ा तो एकदम सॉलिड हाई क्वालिटी का सीमेंट यूज करके जो है वहाँ ब्रिज बन गया। कहते ये तो नहीं टूटेगा। था भैया तो कसम खाई है हमने, टूट गया ना आगे प्रवेश कर घुस जाऊंगा। भगवान ने उसे पूछ रखी उसे छत्तड़ छत्तड़ काट के रख दिए। कहते लो जी आपका हो गया, बहुत बढ़िया सीमेंट था, अब घुस जा आग के अंदर काम। मैं लेके आऊँ आगे लकड़ियाँ, मैं लकड़ी लेके आता हूँ, घुस जाइयो तू, ठीक है आया तेरी। तो दोनों में बातचीत चली थी। तो बस ठीक है फिर जा रहा हूँ, फिर लकड़ी वकड़ी लग गई उसमें लाइटर लगा दिया, आग भी जल्दी। कहते चलो जाओ भैया और क्या। कहते जा रहा हूँ ऐसा नहीं, आग में घुसने से डरता हूँ मैं, अभी घुसने ही वाले। तभी वहाँ एक ब्राह्मण आ गया। कहते क्या हो गया भाई, यहाँ बड़ी टेंस सिचुएशन हो रखी है। कहते कुछ नहीं जी, कह रहे थे ये अगर ब्रिज बनाएंगे अगर टूटेगा नहीं ना, अगर टूट जाएगा तो आग में घुस जाएंगे। मैं कह लेते फिर घुस ले फिर, तू हो गया फिर टाइम तो हो गया जी, चलो जी घुसो। जय हो वैष्णव भ्यो नमो नमः, भूतपूर्व वैष्णव अर्जुन जी की जय। चलो तो फिर जो ब्राह्मण थे उन्होंने कहा देखो कोई भी कंपटीशन होता है उसमें एक विटनेस ही होता है, जब तक उसमें साक्षी ना हो वो कंपटीशन गाएगा। तो कोई साक्षी था इसमें? कहते नहीं साक्षी कोई नहीं था, हम दोनों ही थे आपस में। कहते ऐसे बड़े होता है, इस बार मैं साक्षी हूं, चलो अब इस बार करो। तो इस बार जो है अर्जुन ने फिर भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करके कि प्रभु बहुत बेइज्जती हो चुकी है ऑलरेडी, इस बार तो कम से कम पुल जो है हो जाए ढंका बन जाए, इस बार हाई क्वालिटी का प्रभु आपकी कृपा का सीमेंट इसमें लग जाए, बाकी सीमेंट काम नहीं किए प्रभु मेरी हेल्प करना है इसमें। जय जय श्री राधे श्याम, और तीर मारा उन्होंने और बढ़िया प्रभु बन गया। कहते ब्राह्मण ने कहा चलो जी यस ट्राई करो। कहते हैं अरे इस पर तुम्हारी पूँछ ही काफ़ी है। उन्होंने कस के पूँछ मारी उस पर कि चीथड़ उड़ जाएंगे, कुछ नहीं हुआ उसको। कहते अच्छा जी मतलब ये क्वालिटी आपके पास, बोला से चाइना का माल ही बेचते हो आप। नहीं नहीं सर ये देखो क्या बढ़िया है। उसके बाद अपना बायां पांव रखा हनुमान जी ने, कुछ नहीं हुआ। दायां पांव रखा, कुछ नहीं हुआ। उसके बाद हनुमान जी ने उस पर कूदना शुरू कर दिया, दौड़ दौड़ दौड़, तो भी कुछ नहीं हुआ। अब जितनी बार कूद रहे थे ना अर्जुन को लगा टूट, लेकिन तभी जो है वहां नदी के अंदर उन्होंने लाल रंग का कुछ देखा, खून बह रहा है। कहते ये खून किसका है भाई? दोनों ने झुक के देखा तो हनुमान जी को वहां राम जी नजर आए और अर्जुन को वहां भगवान श्री कृष्ण नजर आए, है तो दोनों एक ही है ना। कहते अरे क्या, हालांकि भगवान में कोई खून वून नहीं है, ये सब लीला के लिए करते हैं भगवान, भगवान के शरीर में कोई खून वून नहीं है। एक वो हीमोग्लोबिन होगा भगवान के अंदर, कैल्शियम फॉस्फोरस ये सब कुछ नहीं है, ये सब लीला के लिए करते हैं वो। तो जो है दोनों को समझ में आया, अरे अरे भाई गलती हो गई, हम लोग कॉम्पिटिशन की भावना में भूल ही गए थे। तो फिर उनको बात पता लग गई कि वास्तव में राम जी की महिमा क्या है, अर्जुन को पता लग गई। और भगवान श्री कृष्ण भी अपने भक्तों की इस तरह से रक्षा करते हैं, हनुमान जी को पता लगा। तो दोनों ने एक दूसरे का आलिंगन किया। ऐसा हुआ, एक समय ऐसा हुआ, एक भक्त था वो हनुमान जी के पास था, भगवान श्री राम का बड़ा भक्त था वो, और हनुमान जी के पास अक्सर आया करता था, रामायण सुनने के लिए आया करता था वो, बड़ा उच्च कोटि का भक्त था। तो किम पुरुष लोक में जाया करता था अक्सर और सुना करता था, उनसे राम कथा सुना करता था। तो उन्होंने पूछा जी अच्छा प्रभु हनुमान जी अब ये बताइए कि ना श्री राम जी के सर्वश्रेष्ठ भक्त कौन से हैं? तो हनुमान जी ने कहा देखिए मैं तो बहुत ही तुच्छ हूँ, मैं बोला क्या बता सकता हूँ, मेरे में कोई योग्यता भला कहाँ है कि मैं ये बता सकूँ सबसे बड़ा भक्त कौन है। कहते अच्छा तो ये बात कैसे पता चलेगी? कहते मैंने सुना है राम जी को डायरी मेंटेन करते हैं, उन उससे पता लग जाता है। कहते अच्छा ठीक है जी। फिर राम जी का स्मरण किया, राम जी के पास पहुँचे, राम जी से कहा कि ना हनुमान जी ने मुझे बताया कि कोई डायरी है। कहते वो डायरी एक वो डायरी वो पड़ी हुई। कहते बहुत बहुत धन्यवाद जी आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। तुरंत दौड़ कर गया सबसे अपने सबसे अपना नाम का उसने खोला, उसका नाम है कि नहीं, सर्च किया नाम मिल गया। कहते प्रभु की डायरी में मेरा नाम भी है, वाह। अब हनुमान जी को देखता हूँ तो हनुमान जी का छाना कि सबसे मिल जाए उनको, लेकिन ऊपर ऊपर जो है कहीं हनुमान जी का नाम था नहीं। तो उनको लगा शायद अल्फाबेटिकल ऑर्डर में डायरी बनी होगी फिर ये, तो फिर अल्फाबेटिकल ऑर्डर फिर उन्होंने एच में ढूंढा, फिर एच खुला उसमें, एच में भी जो है सब इधर उधर के सब नाम थे उसके अंदर,
हड़प्पा सिंह ये सिंह वो, लेकिन ना लेकिन यार ये तो हनुमान जी का नाम तो है ही नहीं यार, ये जय श्री राम। राम जी ने देख लिया उसको कन्फ्यूजन हो रखी है, अभी तो गए हनुमान जी के पास, कहते हनुमान जी मैंने डायरी देखी वो तो मेरे पास नहीं, अच्छी खबर है एक बुरी खबर है, अच्छी खबर ये कि ना मेरा नाम तो है उसके अंदर, नहीं बुरी खबर ये कि आपका नाम नहीं है उसके अंदर, मैं तो सोच रहा टॉप मोस्ट डिवोटी, उसमें तो डिवोटी में नाम नहीं है आपका। तो हनुमान जी ने कहा तो कौन सी वाली डायरी तुमने देखी, बड़ी वाली छोटी वाली? बड़ी वाली छोटी वाली मतलब एक ही तो डायरी थी वहां पर, पूरा इतना बढ़िया था, अनएब्रिज्ड एडिशन, मैरियन वेबस्टर्स, राम्स डिवोटीज, मैं सब देखा उसके अंदर, नहीं है आपका नाम, ऐसे कैसे? कहते हैं एक और भी है उनके पास, एक पॉकेट डिक्शनरी भी है उनके पास। अच्छा अच्छा, कहते हाँ जा राम जी से पूछिए। तो राम जी के पास क्या आपके पास एक और डायरी भी है क्या? तो भगवान ने यहाँ से एक छोटी सी डायरी निकाल के, अच्छा ये कौन सी डायरी है जी? उसको खोले देखा, सबसे ऊपर नाम था हनुमान। तो भक्त ने पूछा प्रभु ये एक तो वो डायरी है मैरियन वेबस्टर्स अनएब्रिज्ड एडिशन जिसके अंदर 50 लाख डेफिनेशंस वाली ये भक्तों की डायरी है, और ये डायरी पॉकेट की भी पॉकेट डिक्शनरी वाली जो डायरी जो आपने हमेशा अपने पास रखते हैं, ये क्या डायरी है? तो राम जी ने वाला बोला ये वो भक्त हैं जो मुझे कभी नहीं भूलते, मेरा हमेशा स्मरण करते हैं, और ये जो डायरी है ये उन भक्तों की डायरी है जिनके नाम इसमें लिखे हैं जिनको मैं कभी नहीं भूलता क्योंकि मेरी हमेशा सेवा करते हैं, और इनमें जो गोल्ड मेडल जाता है वो है हनुमान जी को जाता है। सो दैट वेज ही वॉज रियली एस्टॉनिश टू सी दिस वंडरफुल डायरी ऐसा। और एक समय ऐसा हुआ जब सारे जितने भी अयोध्या वासी थे उन्होंने कहा देखो हम लोग राम जी की सेवा के लिए हम आए, भाई भक्तों का काम क्या होता है? सेवा करना, ये सारी सेवा तो हनुमान कर देता है, शुरू से लेकर आखिर तक हनुमान सारी सेवा कर देता है, हमारी सेवा बचती कहाँ है? हम तो बस यही कहते रहे जय सिया राम यही करते रहते हैं, बाकी वो तो सब सेवाएं कर देता है। तो हनुमान जी जो है अयोध्या से बाहर गए थे, उन्होंने अर्जेंटली मीटिंग बुलाई, सारी सेवाओं की लिस्ट तैयार की, लिस्ट तैयार करके देखिए ये कर देगा, ये कर देगा, ये कर देगा, ये कर देगा, ये कर देगा। और वो राम जी के पास आए, श्री राम जी एक अर्जेंट मीटिंग के लिए हम लोग आए थे, ये सेवाएं आपकी, सेवा वन, सेवा टू, सेवा थ्री, सेवा 1008, ये कर देगा, ये कर देगा, ये कर देगा, ये कर देगा, ये कर देगा। और फिर उन्होंने कहा लेकिन ये तो हनुमान कर देगा, हनुमान जी ने कर तो दिया, ये भी बहुत अच्छी करेगा, ये बहुत अच्छी करेगा, ये उसको दे दिया, ये भी बहुत अच्छी करेगा। इस तरह करके लिस्ट तैयार कर ली और जोर जबरदस्ती करके राम जी को उस पर स्टैम्प लगा ली उस पर। तो फिर जब हनुमान जी वापस आए तो लाउड स्पीकर अनाउंस हुआ देखिए सेवाओं में थोड़ा खेर बदल हुआ है, सेवा नंबर वन जो है ये करेंगे, सेवा नंबर वन वो करेंगे, सेवा नंबर वन ये थ्री करिए ये करेंगे, सेवा नंबर 1008 ये करेंगे, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। हनुमान जी का नाम पूरी लिस्ट में नहीं था। हनुमान जी ने कहा आप लोगों ने जो लिस्ट है ना उसमें एक सेवा तो आपने लिखी ही नहीं, कि सेवा कौन सी रह गई? कहते एक सेवा रह गई है वो है चुटकी बजाने की सेवा। कहे चुटकी बजाने की सेवा ये कौन सी सेवा होती है? कहे जब श्री राम उबासी लेते हैं तो उस वक्त जो है ये चुटकी बजाने की सेवा, ये तो आपने लिखी ही नहीं इसके अंदर। कहते ओ अच्छा ये एलोकेट नहीं हुई ना, फिर ये वाली सेवा मैं कर लूंगा फिर। कहते हाँ ठीक है ये वाली सेवा तुम कर लो, ये सेवा तुम कर लो। सीता मैया ने कहा हाँ भाई ये सेवा बहुत बढ़िया रहेगी आपके लिए, ये सेवा आप कर लो, ये चुटकी बजाने की सेवा आप कर लो, बहुत बढ़िया जी। अब जहां भी श्री राम होते ना तो लक्ष्य तो साथ में हनुमान जी बैठे होते कि जैसे वो उबासी लेंगे तो चुटकी लगाओ, तो जैसे वो उनके चेहरे की ओर देखते रहते थे तो ये हल्का सा भी अगर वैसे करते तो हनुमान जी ऐसे कर दिया करते। तो एक समय ऐसा वो जो है पूरा दिन बीत गया था, तो रात का समय था, थके आ रहे भगवान श्री राम जब कक्ष में पहुंचे सीता मैया के पास थे, तो सीता मैया जो है उनकी बाजू को पकड़ करके और उनके कंधे पर सर रख करके उनसे बातचीत करी, तो हनुमान जी वहां पीछे खड़े, कहते हनुमान तुम यहां पर क्या कर रहे हो भाई? कहते मेरी सेवा लगी है ना कि जब भी वो जमाई लेते हैं तो फिर मेरे को चुटकी बजानी होती है, तो रात का ही तो समय होता है जब जमाई सबसे ज्यादा होती है, तो इसलिए ना फिर वो वहां बैठ गए उस कक्ष में। और सीता मैया ने कहा ये क्या सेवा दे दी हमने, ये तो भैया अब तो यहीं बैठे रहेंगे। कहते मेरी सेवा है ना, तो जब भी अब सुबह उठते व्यक्ति पहला काम क्या करता है? तो फिर इसलिए मेरी सेवा है। तो अब ये रात भर जो है राम जी को देखते रहे। तो अगले दिन सीता मैया ने कहा देखो एक सेवा जो गलती से ऐड हो गई है, ये चुटकी बजाने की सेवा, बाकी सेवाओं में कोई और सेवा देंगे हनुमान जी को, ये सेवा तो बिल्कुल नहीं देनी है। सो इन दिस वे हनुमान जी गॉट बैक हिज सर्विसेज बाय द मर्सी ऑफ मदर सीता। और ये आपने सुनी हुई है कि किस प्रकार से जब एक समय हनुमान जी जो है सीता मैया का पीछा कर रहे थे, वो सीता मैया आगे चल रही हनुमान जी भी चल रहे। अब सीता मैया जानती है तो शुद्ध हृदय का व्यक्ति है, मेरे पुत्र के जैसा है,
तो फिर वो देख रहे थे किस तरह से सीता मैया श्रृंगार कर रही हैं, बिंदी लगा रही हैं और श्रृंगार कर रही हैं अपना, और फिर उन्होंने सिंदूर लिया, सिंदूर से अपनी बांग भरी। कहते ये मैया ये तुम ये बालों में क्या भरती हो? कहते इसको सिंदूर बोलते हैं। कहते अच्छा सिंदूर क्यों भरती हो? कहते जब राम जी देखते ना अपने बालों में सिंदूर भरती है तो उससे बड़ी खुशी मिलती है उनको। कहते अच्छा ये लाल रंग का पाउडर लगाने से राम जी को खुशी मिलती है। और राम जी मार्केट में चले गए अयोध्या में। कहते भाई आपके पास सिंदूर कहाँ है? कहते ये बोरी पड़ा हुआ है। कितने किलो बताइए हनुमान जी? कहते किलो विल्लो क्या, बोरी चाहिए हमको। बोरी ली, अपने ऊपर डाल ली और पूरा सर से लेके पांव तक सिंदूर 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 होकर के पहुंच गया राजमहल में। सियावर रामचंद्र की जय। तो राम जी ने बोला हनुमान क्या तुम किस रूप में आए हुए आज? तो हनुमान जी ने बोला प्रभु ये रूप है आपकी प्रसन्नता के लिए। कहते अच्छा ये तुमने कैसे डिड्यूस कर लिया कि भाई इस रूप में मेरे को बहुत खुशी मिलेगी? कहते आज सुबह सुबह मैंने सीता मैया को देखा उनके ड्रेसिंग टेबल पे, वो लगी हुई थी, एक ऐसे लकीर उन्होंने खींची ऐसे सिंदूर की। मैं सोचा एक लकीर खींचने से उनको अगर वो आप इतना खुश कर सकती हैं अगर आपको, तो मैं पूरे शरीर पे सिंदूर सिंदूर मल लूंगा तो आपको बहुत खुशी मिलेगी। तो सारे जो कोर्ट में थे अयोध्यावासी सब के सब हंसने लगे कि वाह हनुमान की जो मासूमियत है, उनकी जो सरलता है और उनकी जो इच्छा है राम जी को खुशी देने के लिए, वो अद्भुत है वास्तव में। तो सबने जो है हनुमान जी का गुणगान करना शुरू कर दिया। ऐसा जब भगवान श्री राम जब पहुंच गए थे वहां पर, और जब सीता राम बोथ ऑफ देम नाउ दे आर द किंग एंड द क्वीन ऑफ अयोध्या, तो उस वक्त राम जी ने इतनी प्रशंसा की हनुमान जी की कि आपने इतनी सेवा की है, इतनी सेवा की है, अद्भुत है आपका जीवन, वास्तव में अद्भुत है आपका जीवन, सेवा से लबालब भरा हुआ आपका जीवन। तो इसीलिए मैं चाहता हूं कि आपको क्या दे, मैं तो ये सोच सोच के हैरान होता रहता हूं, सोचता रहता हूं क्या दूं मैं, क्योंकि जितनी सेवा आपने की है अद्भुत है, क्या भावना है आपकी। तो सीता मैया ने कहा कि मैं अपनी तरफ से एक उपहार जरूर देना चाहूंगी। तो अपने उनके गले में मणियों का एक बहुत ही सुंदर हार था सीता मैया के, तो गई और वो उतार करके उन्होंने हनुमान जी को दिया। हनुमान जी उसको देखते रहे, उसको ऐसे देखे ऐसे देखे ऐसे देखे ऐसे देखे, और फिर ना वो ये फिर उन्होंने क्या किया, जो हार था उसमें एक एक मणि निकालना शुरू कर दिया और मणि को जमीन में मार करके तोड़ दें, दूसरा मणि जो है उसको ऐसे टटोले टटोल करके फिर उसको तोड़ दें, इस तरह करके माला की हार के अंदर जितने भी हीरे मोती थे उनको जमीन में मार मार के तोड़ दिया उनको हनुमान जी ने। तो सब देख के हैरान हो रहे थे सीता मैया ने गिफ्ट किया है, वहीं की वहीं ऐसे देख देख करके एक एक मणि निकाल निकाल के जमीन फोड़ फोड़ के उनकी। कहते हनुमान ये क्या कर रहे हो ये? हनुमान जी ने कहा मैं ये मणि देख रहा था कि ना इसमें सीताराम जी तो है ना इसके अंदर, तो सीताराम जी जब यहाँ उसमें नहीं दिख रहे थे मेरे को तो फिर मैंने फोड़ दिया। कहते अच्छा मतलब जहाँ नहीं होंगे फिर उसको मतलब फोड़ दोगे? कहते हाँ और क्या, जो चीज़ यहाँ सीताराम नहीं हो तो फिर फोड़ने लायक है फिर वो जगह और क्या। तो एक अयोध्यावासी ने मजाक में बोल दिया अच्छा मतलब तुम्हारे अगर हृदय में भी अगर ना हो तो फिर तुम अपने हृदय को फाड़ दोगे क्या? कहते नहीं मेरे हृदय में तो है सीताराम जी, अभी दिखाता हूँ। उसके बाद वहीं क्यों हनुमान जी ने अपने चेस्ट ली और ऐसे चीर करके दिखाई, वहां पर सीताराम जी बैठे हुए हैं और लक्ष्मण भी हैं, भरत भी हैं, शत्रुघ्न भी हैं उनके, और वहां बड़े सुंदर से सिंहासन बैठे हुए हैं और उनके चरणों में हनुमान जी बैठे हुए हैं, मतलब उनका खुद का कॉन्स्टिट्यूशन रूप भी वहां पर है। और सब ने जो है वहां पर ये दिव्य दर्शन देखा, कहता वाह जी हनुमान जी की भक्ति तो अद्भुत है, अमेजिंग सुपर डुपर। ऐसा ऐसे हनुमान जी के भक्त थे। और ये राम जी का भजन क्या करते थे, और इनका भजन इतना अच्छा था, चित्रकूट में रहा करते थे, तो एक समय वहाँ के राजा लोकल जो राजा थे उन्होंने बुला दिया कि भाई ये वो जो भक्त हमने सुना है बहुत चमत्कारी हैं, बहुत अद्भुत हैं, इतना भजन करते हैं वो राम नाम का, उनको बुला भेजो। तो उन्होंने फ्लाइट की टिकट कर दी, फ्लाइट की टिकट देने जाने की भी वापसी की भी दोनों हो गई थी उसके अंदर। तो उस प्रकार से फिर ये वापस आए, सॉरी जब ये चले गए भक्त बोला हाँ जी दिखाइए को चमत्कार दिखाइए आप, कि चमत्कार वगैरह देखिए हम भक्त लोग हैं चमत्कार दिखाने में विश्वास नहीं रखते, अगर कुछ वाणी सुननी हो प्रभु की तो आप बता दिए। कहते अरे वाणी में इंटरेस्ट ना है हमको, ये कथाएं वथाएं क्या होती हैं वो तो इमोशनल लोग देते हैं, हमको चमत्कार चाहिए, चमत्कार को नमस्कार। क्या देखिए हम चमत्कार वगैरह तो नहीं दिखाते, नहीं दिखाते तो जेल में जाओ फिर, तुम्हारी फ्लाइट की टिकट जो हमने कटाई कि हमने फोकटे पैसे कमा रखे हमने यहाँ पर, डाल दो उसको जेल में। जैसे ही सैनिक आगे बढ़े तो उसने हनुमान जी को याद किया, हे संकट मोचन हनुमान जी मेरी रक्षा करिए। जैसे उसने ऐसे बोला वहां पर असंख्य वानर वहां पर आ गए,
असंख्य वानर जो वहां पर आ गए, तो राजा ने कहा रो रो रुक जाओ रुक जाओ, गलती होगी गलती होगी, नहीं 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 सर आपकी फ्लाइट टिकट वापसी किया, आराम से जाइए, कोई बात नहीं, चमत्कार मत दिखाइए, आप थोड़ा राम जी के बारे में बता दीजिए। इन दिस वे ही वॉज सेव्ड बाय द मर्सी ऑफ हनुमान जी। ऐसे एक समय मथुरा में भगवान श्री कृष्ण के जो पुत्र हैं वो वहां पर राजपाट संभाले हुए थे, तो एक राक्षस था उसका नाम था कलंक, नाम बहुत सुंदर रखा माता पिता ने, तो कलंक नाम का जो राक्षस था ये, इसने अटैक कर दिया। खूब विशाल गाय था ये, इतना विशाल गाय कि जितने भी रथ वगैरह थे इसके पांव के अंगूठे के बराबर थे, और इतना ह्यूज था ये। तो सबके सब लड़ने के लिए आए, तो सबने सोचा इसको कौन मारेगा, तो बहुत विशाल गाय, बहुत शक्तिशाली है ये, तो जो भी अस्त्र शस्त्र चला रहे थे उस पर कोई काम भी नहीं कर रहे थे। फाइनली उसमें फिर जो भक्त था, जो भगवान श्री कृष्ण का पड़पौत्र थे, उन्होंने देखा भैया कृष्ण बलराम हमारे अब वो तो बाहर गए हुए हैं, वो होते तुम्हारी रक्षा भी कर लेते, अब क्या करें, तो उन्होंने कपि अस्त्र जो है वो चढ़ा दिया, तो उसमें से निकला है हनुमान जी। हनुमान जी निकल करके आए, उसने कलंक के जीवन में इतने कलंक लगाए उसके शरीर के ऊपर, इतना धुना उसको कि उसको पहले तो उसको जो है उसके जबड़े पे खींचा के घुसा मारा हनुमान जी ने। जब जबड़े पे खींचा के घुसा लगा तो जमीन पे ना कुछ सफेद सफेद पत्थर जैसी चीजें गिर गई, कहता है ये सफेद सफेद चट्टाने यहां पर कैसे गिरी हैं, ये कौन का चट्टाने कहां से है। हनुमान जी ने कहा इनको दांत कहते हैं, ये दांत है इसके। कहता अच्छा ये बड़े बड़े जो है ये दांत है। कहता हाँ घुसंड खाया ना अभी इसने मेरा, इसीलिए आइए अब आपको और भी कुछ दिखाते हैं। तभी जो है वहां ना गीले गीले पर्वत गिरे वहां पर, देखा ये गीले गीले पर्वत क्या है। कहते हैं ये मेरा घुसंड खा करके इसकी आंखें बाहर आई हैं अभी। कहते हैं अब इसके प्राण ही बाहर निकालता हूँ। उसके बाद हनुमान जी ने उसके टांग पकड़ करके उसको उल्टा किया, उसका सर नीचे था। कहते ये देखिए अब इसके प्राण भी गए, ताड़ नीचे मारा तुड़ुम फिनिश्ड। तो इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण के पड़पौत्रों की भी रक्षा की थी हनुमान जी ने, जब उन्होंने कपि अस्त्र जब इसका प्रयोग किया था। ऐसे एक समय क्या हुआ, शनिदेव ने चैलेंज कर दिया उनको, हनुमान जी को शनिदेव ने, शनिदेव को बड़ा कॉन्फिडेंस था कि जिस पे हमारी नजर पड़ जाए उसका तो हो गया जी। शनिदेव के पास ऐसा कैसे हुआ था, बेसिकली शनिदेव का ना वैसे हमेशा ऐसे रहता भाई, वो हमेशा भगवान श्री कृष्ण के ध्यान में रहा करते थे, ऐसे ऐसे ही रहा करते थे वो। तो उनकी पत्नी सोचती थी अरे कभी तो हमको भी देख लिया करो, इतना श्रृंगार करती हूं मैं, कभी तो देख लिया करो हमको, अभी हमेशा ऐसे ही रहा करते थे, आधी आंखें बंद है। कहते मतलब तुम्हें मतलब कोई इज्जत नहीं है मतलब औरत की, कभी तो देखना होता है, कभी तो ताड़ना होता है, घूरना होता है, ये पति हो तुम, ये matrimony.com के जितने भी रिश्ते हैं ना ये सब वही चूज किया था मैंने तुमको, सब गड़बड़ ऐसे आधी आंख बंद करके। मुझको लगा था फोटो खिंचाते हो तुम्हारी आंख आधी ऐसी रहेगी, मुझे क्या बताती हमेशा ही आंखें ऐसी रहती हैं। अब शनि जो है उसमें वो भगवान श्री कृष्ण का भजन करने वाले हैं वो, इसलिए उनकी आंखें ऐसी हैं हमेशा ऐसी रहते हैं। या ठीक है तुमको आंखें ऐसी रखनी है ना तो ठीक है, तो जब तुम्हारी आंखें कभी किसी पे खुलेंगी ना बेड़ा गर्क हो जाएगा उसका, श्राप देती हूँ मैं। कहते हमने कभी आंखें कभी ऐसी करनी नहीं है, हम तो ऐसी रहते हैं, लेकिन बीच बीच में कभी जब किसी भी आंख ऐसे कर देते हैं तो उसके फिर कल्याण हो जाता है फिर उसका। तो ऐसे ही हालांकि त्रेता युग में इनकी हेल्प की थी हनुमान जी ने, हनुमान जी ने सबके सारे सबको रिहा वगैरह भी किया है। तो उस वक्त शनि जी जो है बड़े थैंक यू इनको अपना ग्रीटिंग कार्ड भी दिया, थैंक यू वेरी मच, दिस लविंग ग्रीटिंग्स फ्रॉम शनि फॉर रिलीजिंग फ्रॉम दी कैप्टिविटी ऑफ रावण, योर लवली फ्रेंड शनि। लेकिन थोड़ा समय बीत गया तो फिर आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड। तो कलयुग में जो है जब फिर इन्होंने शनि को चैलेंज भी कर दिया, कहता है शनि ने चैलेंज कर दिया हनुमान जी को, कहता है ऐसा नहीं है कि वो ठीक है उसको रक्षा की थी, पर इसका मतलब थोड़ी हो गए ज्यादा शक्तिशाली तुम ही हो गए, सबसे अधिक शक्तिशाली तो मैं हूं, मैं शनि, जब मैं किसी पे आता ना स्पेशली मेरी 7.5 आती किसी के ऊपर फिर जो मैं उसको हाल मचाता हूं, इसीलिए ये बात स्वीकार कर लो, बस ये कह दो हाँ जी शनि जी बिल्कुल जी। हनुमान जी ने कहा भाई ठीक है आपकी खुशी के लिए बोल देते हैं, लेकिन आपकी वैसे कोई है बिसात वगैरह है नहीं, वैसे राम जी का भजन करके जो है मेरे पास बहुत शक्ति है, आप राम जी का भजन करते नहीं ना इसलिए, बट ठीक है चलो आपकी खुशी के लिए, कच्ची मिट्टी होती है ना लोगों की, तो आप शक्तिशाली ठीक है खुश वाले बच्चा। शनि ने कहा हाउ डेयर यू, उन्होंने कहा देखो प्लीज अभी मैं ना अभी राम जी के भजन में बिजी हूं मैं, और राम जी के भजन में जो बिजी हो गए अब उस वक्त हनुमान जी, तो हुआ क्या उसके बाद
हनुमान जी ने अपनी पूंछ में शनि को लपेटा और राम जी का भजन करते हुए जा रहे हैं जा रहे हैं, कहते देखो मेरा भजन पूरा करूंगा पहले तो मैं बात बाद में करेंगे, तब तक तो जो है पूंछ से लपेट करके अब हनुमान जी जो उड़ रहे हैं और जहां जहां जा रहे हैं स्पेशली उन पत्थरों पे जो पुल बना था लंका की ओर, वहां पर जो है शनि को उसका सर लगा चट्टानों पे, ताड़ ताड़ इतनी चोट लगी उसको, अरे तेरे, ओ, तेरे, ओ, तो ये बहुत चोट उठ खा के आए, फिर वापस आ गए। तो हनुमान जी ने कहा चलो आज की चैंटिंग तो पूरी होगी, आज के राउंड्स मेरे पूरे हो गए। कहते हाँ वो कहाँ गए भाई, शनि जी कहाँ पर गए? कहते हाँ शनि जी बताओ क्या कह रहे थे आप? मैं देखो भजन करने का मेरा टाइम होता है, मैं चैंटिंग के वक्त मैं डिस्टर्बेंस स्वीकार नहीं करता, तो इसलिए बताओ क्या बात करनी थी? कहता बात क्या करनी थी भैया, तुम ये तुम कहाँ कहाँ घुमा गए? कहता कहाँ, ओहो अरे अरे आप पूंछ में लिपट गए थे क्या मेरी? अरे 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 मुझको पता नहीं चला आप पूंछ में लिपट करके आपका ये हाल हो गया। ओहो कहते इतना तो किसी ने नहीं किया मेरे साथ ऐसा। उसका वहाँ डिटोल डिटोल लगाया शनि ने अपना ठीक ठाक किया। क्या तुम जानते नहीं हो मेरे को, ये तुमने मेरा हाल किया है ना, अगर मैं अपनी करने पे आ जाऊँ ना तो अच्छा अच्छो कि मैं बैंड बजाता हूँ, मेरे 7.5 साल को नहीं भोग पाता। कहते अच्छा क्या करते क्या हो 7.5 साल में आप? कहते पहले 2.5 साल मैं उस व्यक्ति की बुद्धि पे आता हूँ, बुद्धि पे आता हूँ, उसे गलत सलत काम कराता हूँ, उसे उसको इतना स्लो बना देता हूँ, इतना इनएफिशिएंट बना देता हूँ, सारी दुनिया आगे निकल रही होती है पीछे रह जाता है वो। और सब लोग कहते अबे तेरे से ये भी नहीं हुआ क्या? दुनिया उपहास उड़ाती है उसका, निंदा होती है उसकी, एलिगेशंस लगती हैं उसके ऊपर। पहले 2.5 साल ये करता हूँ, उसके बाद फिर यहाँ से उसके मैं पेट पे आ जाता हूँ, उसको पेट की बीमारी कराया था उसको, उसको डाइजेशन खराब कर दूंगा उसका, और उसकी जब डाइजेशन खराब होता है तो उसकी हेल्थ खराब होती है, हेल्थ खराब होती है उसकी बुद्धि खराब हो जाती है, आए आए करता रहता है, आए आए ओए ओए आए आए, बुद्धि वैसे खराब है, फिर गलत गलत दवाइयाँ भी खाता है वो, गलत दवाइयाँ खा के उसको और बेड़ा करके होता है। उसके बाद फिर मैं उसके चरणों में आता हूँ अगले 2.5 साल, उसके बाद मैं जहाँ जाना चाहिए वहाँ तो नहीं लेके जाता उसको, और जहाँ नहीं जाना चाहिए वहाँ ले जाता हूँ उसको। और उसके बाद जो बंदी का जो हाल मचता है, ओए होए होए होए, चित्तर चित्तर हो जाते हैं उसकी ज़िंदगी। फिर ये करता हूँ मैं 7.5 साल में, 2.5, 2.5, 2.5। कहते अच्छा जी, और क्या तुम में घुस जाओ ना 7.5 ही में, मैं हर 30 साल में आता हूँ भाई, मेरा मन तो कर रहा है अभी तुम्हारी 7.5 ही शुरू कर दूँ। हनुमान जी का तो शुरू कर ले फिर तू 7.5 ही मेरी, और क्या, कैसे शुरू करता तू? कहता है पहले मैं सर के अंदर घुसता हूँ। तो फिर घुस जा फिर, लेकिन ये तो अमृत सर है जिनके सर में अमृत भरा हुआ है ना। तो शनि घुस गया यहाँ पर, कहता है घुस गया भाई पहुंच गया अमृतसर? कहता है हाँ जी सर फ्लाइट लेके पहुंचा अमृतसर में, वेरी गुड वेरी गुड। तो पास में एक पहाड़ पड़ा था वो सर पे रख दिया हनुमान जी ने, वो सर पे जब रखा तो ये दब गए। कहता है अभी सर और पहाड़ियां भी हैं, पहाड़ी के ऊपर एक और पहाड़ी, फिर एक और पहाड़ी, फिर एक और पहाड़ी, पहाड़ी हनुमान जी तो ऐसे लग रहे थे मानो मशरूम लग रहे हैं, मशरूम के ऊपर एक और मशरूम, ऊपर एक और मशरूम, और राम जी का कीर्तन करते फिर नृत्य भी करना शुरू कर दिया। अरे पहाड़ियां थी धगा धगड़ 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 धगड़, ओ भाई कह रहे अरे मैं 2.5 मिनट से ऊपर नहीं रुक सकता यहाँ पर भाई, निकाल दो मेरे को यहाँ से। कहते नहीं नहीं रुक जा, अरे रुक जाओ भैया, जय सिया राम सिया राम जय जय राम सिया, और कहता अरे 2.5 सेकंड नहीं रुक सकता मेरे को, बाहर निकाल दो। अरे हनुमान जी ने कहा ठीक है ठीक है, फिर पहाड़ियां हटाई, पहाड़ियां हटाई तो अरे बहुत जर्रे जर्रे में ऐसा कोई शरीर का मॉलिक्यूल नहीं था जहां उनको दर्द ना हो। तेरी ऐसा हाल शरीर का हो गया। कहते हैं ये हनुमान तुमने क्या किया मेरे, क्या हाल बचाया तुमने मेरे? तो हनुमान जी ने कहा ठीक है, जितने जितने तुम चढ़ते हो ना जिनके सर के ऊपर तो उनसे कहना तुमको तेल चढ़ाया करें, वो फिर तेल तुमको चढ़ेगा ना सरसों का तेल, सरसों का तेल से तुम्हारी फिर मालिश हो जाएगी, तुम्हारे जख्म है वो भर जाएंगे, ठीक है ना। तो जितने लोग हैं ना शनिदेव के फिर वो चढ़ाते हैं, चलो शनिदेव के ऊपर, असल में शनिदेव को रिलीव करते हैं। अरे भाई अरे हनुमान ने क्या हाल मचाया हमारा भाई, ठीक है ना, कभी हरि भक्त के ऊपर मत आना, पता लग गया ना मेरे को दोबारा चढ़ा दूंगा अपने तुम्हारे उसी ऊपर चढ़ा दूंगा मैं। कहते नहीं नहीं बिल्कुल नहीं भैया, जो हरि के भक्त हैं उनको मैं तंग नहीं करूंगा, ठाकुर जी के पास पुश करूंगा उनको, ये करूंगा। कहते हाँ वेरी गुड, दोबारा नहीं करना। कहते बिल्कुल सर। तो इसीलिए फिर इस तरह से थे जो सरसों का तेल चढ़ता है तो उससे हनुमान जी को सॉरी शनि महाराज को अच्छा लगता है। कहते हाँ आराम मिला, आए आए यहाँ यहाँ थोड़ा जा चढ़ाओ, यहाँ जा चढ़ाओ, हाँ
तो इस तरह से शनिदेव जो है उनका भी कल्याण कर दिया हनुमान जी ने। जय बजरंग बली की जय। यस ठीक है जी। ऐसे एक राजा था, कन्या कुब्ज नाम का स्थान था, वहां पर एक राजा रहा करता था। तो एक बहुत बड़ा स्थान था, वो ना ब्राह्मणों को एलोकेट हो रखा था वहां पर। तो राजा ने कहा ये ब्राह्मणों को इतना बड़ा स्थान क्यों दे दिया हम लोगों ने, इस जगह पर कोई ढंग का काम करते हैं हम लोग, इतना भाई 2 एकड़ का स्थान दे दिया इन लोगों को, इस जगह पर कोई हॉस्टल खोल लेते, कोई अनाथ आश्रम खोल लेते, ये ब्राह्मणों को क्यों दे दिया ये है। तो फिर ब्राह्मणों के पास पहुंचे, कहते देखिए हम राजा तो हम ही है ना, तो एलोकेट करना डिसएलोकेट करना हमारे हाथ में होता है, तो इसीलिए अब ये जमीन हमको दे दो आप। ब्राह्मणों ने कहा नहीं जी नहीं, देखिए ये राम जी ने खुद हमें त्रेता युग से दी हुई है जमीन, तो इस तरह से ब्राह्मणों को मिलती आ रही है। कहता भाई कहाँ भाई, वो समय बीत गया, कोई विटनेस है, कोई विटनेस है क्या? मैं कहा देखिए विटनेस किया, उस वक्त हनुमान जी थे ना साथ में, हनुमान जी ने विटनेस किया, जब भगवान श्री राम ने जब स्थान दिया ब्राह्मणों को तो हनुमान जी विटनेस थे, तो ले आओ विटनेस, तो ले लो जमीन फिर, नहीं तो खाली करो। तो जितने ब्राह्मण थे 3,000 ब्राह्मण, उन्होंने सबने डिसाइड किया चलो भाई हम चलते हैं और हम हनुमान जी को लेकर के आते हैं। तो सबके सब चल दिए, चलते रहे। तो एक बीच में जो है एक बहुत ही बुजुर्ग सा ब्राह्मण लगा था, कहाँ जा रहे हो भाई? कहता हम रामेश्वरम जा रहे हैं हनुमान जी को रिक्वेस्ट करने के लिए, वो आ जाए यहाँ पर और इसके राजा को बता दें। कहता अरे देखो फायदा वाजा नहीं है, कोई फायदा वाजा नहीं है, वैसे वापस जाओ आप लोग, वापस जाओ आप लोग, कुछ नहीं होता अभी अभी, अरे हनुमान जी कहाँ मिल जाएंगे अभी आप लोगों को, चलो 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 जाओ। क्या मतलब, अगर आपको एनकरेज नहीं करना कम से कम डिस्करेज तो मत करो। तो ये 3,000 ब्राह्मण फिर भी आगे बढ़ते रहे, कहते भाई हमें जमीन तो चाहिए है, कोई बात नहीं, ये ब्राह्मण इतना सपोर्ट तो नहीं किया। और आगे गए, फिर से एक ब्राह्मण मिल गया, उसकी खूब बड़ी बड़ी मूछे दाढ़ी बुजुर्ग थे, कहते कहाँ जा रहे हो, मत जाओ वापस जाओ, नहीं मिलेंगे हनुमान जी, नहीं मिलेंगे राम जी, जाओ वापस जाओ जाओ। अरे मतलब जो भी मिल रहा है मतलब डिस्करेज कर रहा है ये, देखिए अगर आप एनकरेज नहीं कर सकते ना कम से कम डिस्करेज मत करिए आप। फिर और आगे बढ़े और आएगा, तो वहाँ पर फिर एक बुजुर्ग ब्राह्मण होगा, कहाँ जा रहे हो, अरे मत जाओ भाई, अरे कहाँ जा रहे हो। अरे भैया जो ब्राह्मण मिल रहा है, कहता है कौन आप, हमें तो लग रहा है कि मतलब आप कोई साधारण व्यक्ति नहीं हो कि रेगुलर इंटरव्यू पे कोई मिलकर के सेम बात बोले, आगे मत जाओ, कौन है आप, हमारी निवेदन है आपसे। तो ब्राह्मण दिखा दे स्वयं हनुमान जी। हनुमान जी ने कहा मैं तो परीक्षा ले रहा था आपकी डिटर्मिनेशन की, आप कितनी दृढ़ प्रतिज्ञ हैं, आप लोग वेरी गुड, बड़े दृढ़ हैं आप लोग, नाइस। विकास किस प्रयोजन से आप लोग जा रहे, कहते हैं वो असल में राजा है हमारा, हमारी जमीन हथियाना चाहता है जो राम जी ने हमको दी थी और आप तो उसके साक्षी थे, तो इसीलिए ना वो जमीन वापस लेना चाहता है आप, तो हम हनुमान जी की हेल्प लेने के लिए आए, तो हनुमान जी आप ना हमारे साथ चलो वापस। कहते देखो मेरे जाने की आवश्यकता नहीं है, उसको बोल देना कि देखो हनुमान जी ने बोला है कि वाकई में जमीन आप लोगों की ही है, और अगर वो उस पर बोले नहीं मैं मानता इस बात को, तो मेरे लेफ्ट साइड के बाल हैं, तो हमने यहां से बाल निकाले, कहते ये बाल ना उसके ऊपर फेंक के मारना, ठीक है, और जब उसके बाद जो होगा ना मान जाएगा, उसके बाद जो मान जाएगा फिर उसे सॉरी सॉरी बोलेगा ना, तो मेरे यहाँ के बाल ये निकाल के देना उसको, यहाँ से कोई बाल निकाले आर्मपिट्स के, ये कहते लेफ्ट साइड के बाल हैं, अगर जो कहना ना मान रहा हो उसके बाद उसकी जो होगी दुर्गति उसके जो हाँ बोल देगा, फिर राइट साइड की मेरे बाल वो फेंकना। तो उन्होंने कहा अरे वाह भाई, हनुमान जी के जो है आर्मपिट के बाल रख लिए उन्होंने। तो गए कह देखो जी ये हमें हमारी हनुमान जी से बात होगी, हनुमान जी ने बोला ये जमीन हमारी है। कहता हाँ कहाँ है रिपोर्ट, कहाँ है, कोई फोटो है, कोई रिकॉर्डिंग है, कोई वीडियो है, कुछ नहीं है ना, हम नहीं मानते। ठीक है जी, हनुमान जी के लेफ्ट साइड के बाल धड़ मारे, तो वहां से ऐसी अग्नि प्रकट हुई, सारा का सारा महल जलने लग गया, सारी कुर्सियां दरवाजे सारा फर्नीचर दिस दैट खजाना सब में आग लग गई वहां पर। अरे भाई मान गए सॉरी सॉरी, गलती कोई गलती हो गलती हो, अरे भाई जमीन आप लोगों की है, गलती हो गई, माफ कर दो जी माफ कर दो। कहता ठीक है जी, फिर राइट साइड के उनके आम पेटी बाल दी वो फेंके, फिर सब शांत हो गया, ऐसे वहां कुछ हुआ ही नहीं था। जिस प्रकार से ब्राह्मणों की रक्षा की हनुमान जी ने, लाइक दैट।